सो गाइस, आज हम निकले हैं शक्करमर्ग की तरफ, जो कि पीर पंजाल रीजन पे है। दरहाल से होते हुए ऊपर की तरफ जाता है। तो ये हमारी 5 दिन की ट्रैकिंग है, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन राजौरी और J&K टूरिज्म की तरफ से ये ऑर्गेनाइज़ करवाई गई है। तो इसमें ट्रैकर्स जो हैं वो अदर डिस्ट्रिक्ट्स या अदर स्टेट से बुलाए गए हैं यहाँ पे। तो ये 5 दिन की ट्रैकिंग हमारी होने वाली है, तो आइए देखते हैं कैसा रहता है। तो ये जो वीडियो है ये हम पूरी नहीं बना पाएंगे शायद, क्योंकि वहाँ पे नेटवर्क या लाइट या ऐसा कोई भी इंतज़ाम तो नहीं है। पावर बैंक तो है हमारे पास, लेकिन इतना नहीं हो पाएगा। हम छोटे छोटे क्लिप्स लेके तो उनको जोड़ के एक छोटी वीडियो तैयार कर लेंगे। तो नेक्स्ट टाइम जब हम पूरी तैयारी के साथ आएंगे तो हम एक पूरी वीडियो बना के अपलोड करेंगे इस पर। ये देख सकते हैं आप कितने खूबसूरत पहाड़, खूबसूरत नज़ारे हैं। और अभी जब जहाँ पे हम जाएंगे उस जगह का नाम है शकरमर्ग, और वहाँ से होते हुए पीछे 14-15 हज़ार फीट की ऊंचाई पे जाएंगे, और वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी झीलें हैं, ऊंचे पहाड़ों के बीच में झीलें हैं। हम वो झीलें भी दिखाएंगे आपको। और आज हमारा दूसरा दिन है यहाँ पे। तो हमारे जो ट्रैकिंग गाइड हैं वो हमें झीलों की तरफ लेके जा रहे हैं, और हमारे भी साथ अराउंड 300 ट्रैकर्स हैं जो हमारे साथ चल रहे हैं अभी। तो ये देखें इतने मुश्किल रास्ते, कठिन रास्ते, तो ऐसा कहें सच में ये एक एडवेंचर है। तो हम कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से जो है पूरी वीडियो नहीं बना पा रहे हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब भी हम यहाँ पे विज़िट करेंगे तो एक पूरी इस पे एक डॉक्यूमेंट्री तैयार करेंगे। अभी तक तो हम इसी ग्राउंड में ही चल रहे हैं, तो काफ़ी लंबा ग्राउंड है ये। मिनिमम हमें यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं चलते हुए, तो अभी आगे काफ़ी जो है काफ़ी देखने को मिल रहा है, काफ़ी ज़्यादा 10 मिनट हमें और लगेंगे इस ग्राउंड को तय करते हुए। तो ये जो मेरे पीछे आप पहाड़ देख रहे हो, इन पहाड़ों के पीछे 2-3 लेक्स हैं, बहुत बड़ी बड़ी लेक्स हैं, जो कि हमारे टूरिज्म मैप पे नहीं है। वहाँ पे उन चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं किया गया आज तक, उन चीज़ों को आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है आज तक उन चीज़ों को इग्नोर किया गया है। तो यहीं से लेक्स के क्रॉस करते हुए यहाँ से पीछे अपना शोपियां डिस्ट्रिक्ट जो है, कश्मीर जोन जो है वो कनेक्ट हो जाता है। यहाँ से कश्मीर भी जो है पास में ही है। अगर यहाँ पे मैं कहता हूँ कि रोड कनेक्टिविटी मिल जाए, तो मैं कहता हूँ कि लोग कश्मीर में या और जगह जहाँ जहाँ लोग जाते हैं घूमने में, लद्दाख हो गई, कश्मीर हो गया, तो कहीं भी लोग नहीं जाएंगे, यहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी मुश्किल जो है यहाँ पे कि रोड की प्रॉब्लम है। रोड कनेक्टिविटी नहीं है यहाँ पे, लोगों को आने में काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने अपने बुज़ुर्गों से ये सुना है कि ये जो जगह है यहाँ पे पुराने दौर के अंदर जिन और परियों ने जो है यहाँ पे हल जलाई थी। तो ये आज भी जो है ये वैसे ही ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये सामने देख रहे हैं आप। जिन और परियों ने यहाँ पे हल चलाई थी, और हल चलाते चलाते उनको सुबह हो गई थी यहाँ पे, और उन्होंने वहाँ पे छोड़ दिया था। तो आज भी ये चीज़ें जो है हमें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं, ये आप देख पा रहे हैं सामने, आज भी हल के निशान जो है यहाँ पे सामने नज़र आ रहे हैं। मुझे तो ये चीज़ देख के यकीन नहीं हो रहा है। मैं सिर्फ बचपन में ये कहानियाँ सुना करता था कि वहाँ पे इतनी ऊंचाई पे जो है जिन और परियों ने हल चलाई है, और बहुत बड़ा ग्राउंड है। तो ये तो सच में बहुत बड़ा ग्राउंड निकला। ये देखिए बीच में आज भी जो है वहाँ पे सामने दिखाई दे रहा है हमें। हमारे ट्रैकर्स जो हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। ये इन चीज़ों को देख के मुझे कुछ अजीब सी फीलिंग आ रही है। आज हम
इस तरफ इन लेक्स की तरफ बढ़ेंगे, यहाँ पे दो लेक्स बताई जा रही हैं। इन लेक्स को देखने के बाद कल हम वो वाले पहाड़ जो हैं उन पहाड़ों को क्रॉस करके उस साइड लेक्स बताई जा रही हैं वहाँ, उन लेक्स पे भी जाएंगे हम। तो काफ़ी अच्छा टूर होने वाला है हमारा। यहाँ का मौसम जो है, मौसम के बारे में बताता चलूँ मैं आपको, वो कहते हैं कि मुंबई का फैशन और कश्मीर का मौसम जो है उसका कोई पता नहीं होता है कब बदल जाए। तो यहाँ पे सेकंडों में मौसम चेंज हो जाता है। सुबह से मौसम काफ़ी ख़राब था, अभी धूप निकली है, बादल फिर से छा गए हैं, तो मौसम अच्छा रहा। इंशाल्लाह हम आगे भी वीडियो में आपके साथ जुड़े रहेंगे। अभी भी हम इसी ग्राउंड में से चल रहे हैं, अभी तक ये ग्राउंड ख़त्म नहीं हुआ है। काफ़ी लंबा ग्राउंड है ये, जिसके बारे में बताया जाता है कि यहाँ जिन और परियों ने हल जोती थी। मौसम भी ख़राब होना शुरू हो चुका है, बादल आगे पीछे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन जगह की बात करता चलूँ मैं, तो जगह इतनी ज़्यादा खूबसूरत जो है, मैं हर जगह घूमा हूँ, मैं वादी कश्मीर में या लद्दाख में इतनी खूबसूरत जगह जो है मैंने कभी नहीं देखी है। ये पहाड़, ठंडी हवाएं। अभी हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे का बताया जा रहा है कि आगे एक जगह का नाम है जिसको जंज वैली के नाम से जाना जाता है। जंज जो है हमारी लोकल लैंग्वेज में बारात को जंज बोला जाता है। तो यहाँ पे बताया जाता है कि पिछले कई सालों पहले जो है यहाँ से एक बारात गुजर रही थी वो बैंड और बाजों के साथ। तो बैंड और बाजे जो हैं यहाँ पे अलाउड नहीं है, तो जिन और परियों ने जो है उन लोगों को मना किया, काफ़ी मना करने की कोशिश की, लेकिन वो लोग जो है अपने ही उसी तौर तरीके के साथ बैंड बाजे के साथ चलते गए। तो वो जो लोग हैं वो आज तक वहीं पत्थर बने पड़े हैं, वैसे ही पत्थरों की लाइन है। हम वो चीज़ भी देखेंगे, काफ़ी हिस्टोरिकल चीज़ें हैं यहाँ पर जो मतलब आज तक जो है हाइड रखी गई हैं, जिन चीज़ों को आज तक एक्सप्लोर नहीं किया गया है। तो मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रजौरी और J&K टूरिज़म डिपार्टमेंट जम्मू एंड कश्मीर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इतना ग्रेट इनिशिएटिव लिया। काफ़ी डिफरेंट स्टेट्स हमारे साथ, एक ट्रैकर जो हैं केरला से भी हैं, अदर डिस्ट्रिक्ट उधमपुर, जम्मू, रियासी, सांबा, कठुआ, रजौरी, पुंछ से हैं, तो उन लोगों को भी ये चीज़ देखने को मिली। काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव रहा। यहाँ से ये लोग जब वापस जाएंगे यहाँ से एक्सपीडिशन अपनी ट्रैकिंग ख़त्म करके, तो ये जो लोग इन चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे ये चीज़ जो है ये ज़रूर टूरिज़म मैप के अंदर आएगी। ये देखिए कितने खूबसूरत पहाड़ हैं पीछे। तो मौसम काफ़ी ख़राब हो चुका है, हमारे अगले ट्रैकर्स जो हैं वो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो काफ़ी आगे निकल चुके हैं। तो अभी मिनिमम 1 आवर्स का ट्रैक जो है हमें तय करके आगे पहुंचना है। तो काफ़ी एक्साइटमेंट है वहाँ उस जंज वैली को देखने के लिए, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। ये देखिए ये डेस्टिनेशन जो है आपने, बाकी मैं तो कहता हूँ कि स्विट्ज़रलैंड से भी खूबसूरत जगह है यहाँ पे। फ़र्स्ट टाइम मैंने यहाँ पे विज़िट किया है तो काफ़ी अच्छा फील हो रहा है मुझे। यहाँ पे लोगों की डोके हैं, यहाँ पे लोग जो हैं 5-5, 6-6 महीने जो है यहाँ पे रहने के लिए आते हैं अपने माल मवेशियों के साथ, यहाँ पे खुली फिज़ाओं में, खुले मैदानों में अपना राशन वगैरह साथ में लेके आते हैं। तो 5-5, 6-6 महीने जो हैं, अभी जो है काफ़ी ठंड जो है बढ़ने शुरू हो गई है, अभी नेक्स्ट मंथ से यहाँ पे बर्फ़बारी भी शुरू हो जाएगी और लोग जो हैं वापस अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं आस्ता आस्ता। थोड़ा मौसम में पता नहीं ठीक है, मौसम हल्के रंग में पता नहीं, गर्मी लग रही है नहीं ठीक। ओहो सर क्या हाल है, वो पार हम चले जाएंगे, हमारे साथ गाइड है। अभी एक झील जो है ये इन पहाड़ों के बीच में है, बहुत बड़ी झील है। आगे ये देख रहे हैं कितना बड़ा पहाड़ है और इसके पीछे एक बहुत बड़ी झील जो है वो ढकी हुई है। इन पहाड़ों के बीच में ये झील है, आप देखिए कुदरत के मनाजिर कि इतनी ऊंचाई पे 14,000-15,000 फीट की ऊंचाई पे पानी का ज़रिया, किन किन पहाड़ों में पानी है।
हम जहाँ भी जा रहे हैं हरे भरे घास में, हरे भरे मैदानों में ये छोटे छोटे हमें फूल नज़र आ रहे हैं। इन फूलों की वजह से जो है काफ़ी खूबसूरत लग रहा है यहाँ का माहौल। तो फाइनली हम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँच रहे हैं। वो सामने जो है हमें एक झील नज़र आ रही है, उस झील पर पहुँचना है हमें। और काफ़ी थक चुके हैं, सांस लेने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी है यहाँ पे। खूबसूरत वादियाँ देख के आज तो सच में दिल खुश हो गया। लेकिन इंसान जहाँ जहाँ पहुँचता जा रहा है वहीं गंदगी करना शुरू कर देता है। तो हमारी एज आ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, हमारा ये फ़र्ज़ बनता है, हमारी ये ड्यूटी है कि हम इन चीज़ों को साफ़ सुथरा रखें ताकि यहाँ पे आने वाले टाइम में भी बारिश होती रहे, तो ये खूबसूरत वादियाँ जो है और भी ज़्यादा खूबसूरत बन सकें। अभी प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है हमें और पीने के लिए पानी यहाँ पे कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, तो वहीं झील पे पहुँच के वहीं पानी भी पियेंगे। मैं तो सोचता हूँ कि जो लोग 5-5, 6-6 महीने यहाँ पर रहने के लिए आते हैं वो तो काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते होंगे। दिल तो चाहता है कि मुझे कोई यहाँ पे छोड़ जाए इन खूबसूरत वादियों में। कुछ टाइम पहले जिस ग्राउंड की मैं बात कर रहा था वो तो सच में बहुत बड़ा निकला, अभी तक वो ख़त्म नहीं हो रहा है। इतना लंबा ग्राउंड जहाँ पे ये बताया जाता है कि हल जोती हुई, तो आज भी ये चीज़ें ये बीच में ये हमें दिखाई दे रहा है जहाँ पे बताया जाता है कि ये यहाँ पे हल जोती थी जिन और परियों ने, तो आज भी ये मतलब इतना लंबा है कि वहाँ तक हमारी नज़र भी नहीं पहुँच पा रही है। जैसे जैसे आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं ऐसे और ज़्यादा नज़र आ रहा है हमें आगे। तो हमारे ट्रैकर्स जो हैं अभी काफ़ी दूर दूर तक हैं पीछे, उनका वेट भी आस्ता आस्ता कर रहे हैं हम, उनके साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं ग्रुप के साथ। मौसम फिर से ख़राब होना शुरू हो चुका है। सच में बहुत मज़ा आ रहा है। हमारे ट्रैकर्स एक बार फिर से गुम हो गए इस मिस्ट में। दो दिन पहले जिस रास्ते को तय करके ट्रैक करके हम यहाँ तक पहुँचे हैं, काफ़ी कठिन रास्ता था, काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा हमें। ऐसा लग रहा था 5 किलो का जो बैकपैक हमने साथ में लिया था अपना, वो भी हमें 50 kg के बराबर लग रहा था। तो अभी वापस जाते वक्त, उतरते वक्त देखेंगे, कोशिश करूँगा मैं वो शॉट भी बीच में लाने की, क्योंकि तब मेरी हालात इतने ठीक नहीं थे, हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी जिसकी वजह से मैं वहाँ पे शॉट्स नहीं ले सका। लेकिन मैं जाते वक्त ज़रूर कोशिश करूँगा वो चीज़ें भी बीच में कैप्चर करने की। हमारे पीछे वाले ट्रैकर्स जो हैं नज़र नहीं आ रहे, आवाज़ तो उनकी आ रही है लेकिन दिखाई नहीं दे रहे। ये बात तो सच निकली कि मुंबई का फैशन और कश्मीर के मौसम का कोई भरोसा नहीं है भाई, इसलिए बी प्रिपेयर। नज़र तो कुछ भी नहीं आ रहा है, लेकिन वो कहते हैं कि रास्ता जहाँ तक दिखाई दे वहाँ तक चलते रहो, आगे का रास्ता वहाँ पहुँचने के बाद ही दिखाई देगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। हमारे कुछ ट्रैकर्स जो हैं वो वहाँ पर विज़िट करके एडवांस में वापस आ रहे हैं, लेकिन मैं तो मानता हूँ कि ट्रैकिंग का मज़ा जो है पैदल ही है, सवारी में नहीं। फाइनली हम झील के पास पहुँचने वाले हैं। ये उतनी बड़ी झील नहीं है, छोटी सी झील है, लेकिन हम ऐसे देखने के लिए चले आए इसको, क्योंकि अभी इतनी एनर्जी नहीं है कि हम वहाँ तक उन पहाड़ों को क्रॉस करके उन झीलों तक पहुँच सकें, क्योंकि
दो दिन से जो है हमने खाया कुछ नहीं, दो दिन से बराबर ऐसे ही चल रहे हैं, तो एनर्जी जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। हमारी मैनेजमेंट जो है यहाँ पे उस तरह से पहुँचा नहीं पाई है, लेकिन आज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी बातचीत हुई है तो उन्होंने हमें यकीन दिलाया कि हम आज 5 बजे तक आपका सामान, आपके राशन और टेंट्स वगैरह का जो है वहाँ तक इंतज़ाम कर देंगे। अब वो देखते हैं यहाँ पे चॉपर लैंड हो जाता है या बैर आता है, कैसे आता है या घोड़ों पे आता है। बहुत खूबसूरत पहाड़, पहाड़ों में झीलें, काफ़ी दिलकश नज़ारा है यहाँ पे। मैं तो यही कहूँगा कि हर इंसान यहाँ पे घूमने के लिए आए। यहाँ पे पहुँचने के बाद इंसान दुनिया को भूल जाता है कि यहाँ पे कुछ अलग ही दुनिया बसती है। लेट्स एंजॉय द म्यूजिक। तो इन खूबसूरत पहाड़ों के बीच में ये छोटी सी खूबसूरत झील, ये झील है, छोटी सी झील, खूबसूरत पहाड़ों के बीच में ये छोटी सी झील बहुत खूबसूरत लग रही है। तो आगे अभी एक और झील है इन पहाड़ों के पीछे, अभी वहाँ तक भी पहुँचना है। कैपेसिटी तो नहीं है, फिर भी कोशिश करेंगे हम। तो ये है हमारा ट्रैकिंग ग्रुप, हम वापस से अपने ट्रैकिंग ग्रुप के साथ हो चुके हैं। हम बीच में वीडियो शूट कर रहे थे तो हमारा ग्रुप जो है वो आगे निकल चुका था। ऐसे ऐसे मुश्किल रास्ते, मुश्किल पहाड़ों में से गुजरना पड़ रहा है, लेकिन ये चीज़ तो प्रूव है कि मुश्किल रास्ते जो हैं वो खूबसूरत वादियों, खूबसूरत जगहों की तरफ जाते हैं। काफ़ी ढूंढने के बाद इन पहाड़ों के अंदर हमें पानी मिला है पीने का। मेरा पार्टनर अब यहाँ से पानी भरेगा, फिर पानी पी के हम इन पहाड़ों के ऊपर चढ़ेंगे। खुदा की कुदरत का मनाजर तो देखिए, इन पहाड़ों के बीच में जो है हमें पानी की आवाज़ आ रही है, पानी बह रहा है इन पहाड़ों के बीच में। तो ये यहाँ पे हमें पानी एक जगह पे दिखाई दे रहा है जी, बिल्कुल पानी पीऊँगा मैं। इन पहाड़ों के बीच में जो है पानी बहने की आवाज़ आ रही है। मैं यहाँ दराल का लोकल रेजिडेंट होते हुए भी आज तक इन पहाड़ों की सैर नहीं कर पाया था, लेकिन कोविड की वजह से शायद मुझे एक मौका ज़रूर मिला है इन पहाड़ों के बीच में आने का। इतने सारे लोगों को यहाँ पे आने का कोविड की वजह से जो है एक मौका यहाँ पे घूमने का मिल गया। डिफ़िकल्ट रोड्स लाइज टू ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन। सो फाइनली हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच गए हैं। इन कठिन रास्तों से गुजरते हुए एक खूबसूरत वादी के अंदर खूबसूरत झील पे पहुँच गए हैं। वाओ, ये है वो खूबसूरत झील जिसको देखने के लिए हमने मिनिमम 2.5 आवर्स का डिस्टेंस तय किया है। वाओ, बीच में काफ़ी गहरी झील है, नीचे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इन पहाड़ों के बीच में ये एक खूबसूरत झील होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। 14,000 फीट ऊंचाई पे ये झील जो है अपने आप में बहुत मायने रखती है। गया वही कंटिन्यू। फाइनली हम इस खूबसूरत झील पे पहुंच चुके हैं। एनर्जी तो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, सोच रहा था बाकी झीलों को भी देखूंगा, एंजॉय करूंगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि यहीं से वापस बेस कैंप लौटना पड़ेगा, क्योंकि बेस कैंप जो है हमारा 2.5 आवर्स का डिस्टेंस है। डिस्टेंस तय करके हमें वापस बेस कैंप पहुंचना है। नाइट स्टे वहां पे करेंगे तो
नेक्स्ट डे जो है फिर प्लान करेंगे कहाँ जाना है। ओके सो फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं काल डचनी सर पे। ये देख रहे हैं चारों तरफ से गिरे हुए पहाड़ों के बीच में एक झील। सांस लेने में यहाँ काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पे अराउंड 14,000 to 15,000 फीट पे अबव सी लेवल खड़े हैं हम। तो अभी इससे पीछे इन पहाड़ों के बीच में एक और झील है जो नंदन सर के नाम से जाना जाता है, जो बहुत मशहूर है, जिसको देखने के लिए लोग यहाँ पे मैक्सिमम आते हैं। तो अब ये है हमारा नंदन सर का कठिन रास्ता। ये रास्ता तय करके हम नंदन सर की तरफ पहुंचेंगे। तो आज शायद हमारा यहाँ पे लास्ट डे होने वाला है और कल हम वापस जो है लौटने वाले हैं। ये है नंदन सर, जिस जो इतना बड़ा है कि किनारे से दूसरे किनारे तक नज़र नहीं पहुंचती है, और किलोमीटर का सफ़र जो है तय करके दूसरी तरफ पहुंचना पड़ता है। और ये देखिए इन पहाड़ों के बीच में, ये ऊंचे पहाड़ और इन पहाड़ों के बीच में इतनी खूबसूरत और इतनी बड़ी झील, सच में जन्नत से कम नहीं है। तो अभी हम आए थे सनसेट देखने के लिए। यहाँ से सनसेट जो है शकरमर्ग से सनसेट जो भी जो है वो एक नेक्स्ट लेवल पर है। यहाँ पे आप इतनी हाइट में खड़े होते हैं कि यहाँ से आपको बादल जो है बिल्कुल नीचे दिखाई देते हैं, ऐसा लगता है कि आप किसी फ्लाइट में हो। इन ऊंचे पहाड़ों और बादलों के ऊपर जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ पे इतनी ऊंचाई है कि बादल जो है वो भी आपको नीचे दिखाई दे रहे हैं, और नीचे दरहाल की तरफ बारिश हो रही है, और यहाँ पर मौसम अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल साफ है। और ये पीछे जो है ये हमारा बेस कैंप है, हमारे कैंप वगैरह यहाँ पे हैं, यहाँ पे हमारा नाइट स्टे होता है। ये देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत नज़ारा है, बादल भी यहाँ से हमारे से नीचे हैं।